गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। इन लास्ट लेक्चर वी वर डूइंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ऑफ क्लास 9th। टू नो अबाउट मेल्टिंग पॉइंट इन डिटेल वी हैव टू डू द टॉपिक चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। But before starting this topic, we have to recall our previous knowledge about the kinetic theory of matter. There were two assumptions which I told you that are, first is, space is inversely proportional to force of attraction. Space is inversely proportional to force of attraction between the particles. That means, space between the particles of matter is inversely proportional to force of attraction between the particles of matter. अगर force of attraction बढ़ती है तो क्या मतलब है कि particles के बीच का space कम है, और अगर space particles के बीच का space बढ़ जाता है तो क्या मतलब है force of attraction कम हो जा बढ़ जाती है। मतलब क्या है, space कम होगा force of attraction बढ़ेगा, स्पेस ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। नॉर्मल सी बात है, दो चीजें दूर दूर हैं तो वो एक दूसरे को उतनी अच्छी अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगी, लेकिन वही दो पार्टिकल्स या वही दो चीजें अगर पास पास हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिवली एक दूसरे को होल्ड कर पाएंगी, है ना। दैट मीन्स स्पेस कम हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है दैट मीन्स स्पेस ज्यादा है। क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड अजम्पशन क्या बताया था मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर हियर। दैट मींस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो और उस हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, तो क्या है कि उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है टेम्परेचर से, और वो एनर्जी पार्टिकल्स किस में यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। मोशन पार्टिकल्स का तेज हो जाता है जब आप उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाते हो, हीट प्रोवाइड करते हो। मूवमेंट पार्टिकल्स की रैपिड हो जाती है, मोर फ्रीली दे कैन मूव। क्लियर, ये था सेकेंड अजम्पशन जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करवा दिया था। अब इन्हीं assumptions के बेस पे हम समझेंगे कि एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कैसे हो जाती है, चेंज कैसे हो जाती है। आपने अपनी जनरल नॉलेज में आपने अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा कि आप जब आइस को गर्म करते हो तो वो वाटर में चेंज हो जाती है, और जब आप वाटर को हीट करते हो तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। इसका रिवर्स भी होता है, वाटर वेपर को हम जब कूल करेंगे तो वाटर में चेंज हो जाएगा, और वाटर को जब हम फर्दर कूल करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। अब इन्हीं अजम्पशंस के बेस पे हम इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने आइस लिया एक बीकर में, और हमने क्या किया, उस बीकर को बर्नर के ऊपर रख दिया और हमने बर्नर ऑन कर दिया, फायर चला दिया हमने बर्नर में, ठीक है। अब हीट मिल रही थी आइस को धीरे धीरे, और जैसे ही आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो हीट जब आइस के पार्टिकल्स को मिली, उसकी हीट की वजह से कुछ एनर्जी मिली आइस के पार्टिकल्स को, और वो एनर्जी कहां यूज हुई, ये देखिए, टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा आइस का, आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी, और अब वो ज्यादा रैपिडली फास्ट मूव कर सकेंगे आइस के पार्टिकल्स, और जब वो फास्ट मूव करेंगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि टेम्परेचर उस इस इतनी इतना हाई हो जाएगा, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो उसको ओवरकम कर जाएगा टेम्परेचर, और काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टेम्परेचर ओवरकम कर जाएगा तब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एक्सपेंड कर जाएगी। अब उसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो स्पेस ज्यादा हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। अब देखिए यहां पे स्पेस किसमें ज्यादा होता है,
सॉलिड में या लिक्विड में? लिक्विड में ज्यादा होता है, और जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया यहां पर स्पेस ज्यादा हो गया, तो मतलब अब सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। अब हम फर्दर टेम्परेचर और बढ़ाते जा रहे हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और तेज होती जा रही है, और स्पेस और बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होती जा रही है। दैट मीन्स अब वाटर किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में। ये देखिए, स्पेस ज्यादा हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी गैस। यही तो हुआ जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, लिक्विड चेंज हुआ गैस में। ये प्रोसेस रिवर्स भी होता है। अब हम वाटर वेपर्स को कूल करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तब क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, है ना? और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो वो पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे। सेटल डाउन होने पे वो एक दूसरे के पास आएंगे, जिससे स्पेस कम होगा। स्पेस कम होगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाएंगे? वाटर में। देन इसको फर्दर हम कूल करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो ये किस में हो जाएगा? आइस में। दैट इज फ्रीजिंग आइस में। क्लियर? सो ये सारा कंसेप्ट क्या है? चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। और जिस टेम्परेचर पे, जिस वो रीडिंग पे आइस चेंज हो जाएगा वाटर में, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? मेल्टिंग पॉइंट इज द इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड। क्लियर? तो ये था हमारा चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में दो फैक्टर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो मैंने आपको बता दिया ये सारा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा तो जब टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगा तब हमारी स्टेट मैटर की चेंज हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट रोल प्ले करता है वो है प्रेशर, वो हम करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। थैंक यू क्लास।